एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुदीप्ता और फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक बहुत अच्छा व्लॉग लेकर। आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो आज तो है विश्वकर्मा पूजा, 17th of September। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि हैप्पी विश्वकर्मा पूजा फ्रॉम मी एंड माई फैमिली। पता है कि सबके घर में ये पूजा का सेलिब्रेशन नहीं होता है, पर मेरे घर में ये पूजा का एक वाइब्स तो चलता रहता है, क्योंकि प्रियोजत हर साल ऑफिस जाते शादी के बाद से मैं देखते आई हूँ कि ऑफिस में बहुत अच्छे से पूजा का सेलिब्रेशन होता है। बचपन से मैं ये इस पूजा के साथ जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे बड़े पापा के घर में ये पूजा होता था और मैं भी एक पार्ट थी। छोटा मोटा तैयारी जो पूजा का होता है वो सब करती थी मैं, दीदी भाई। प्रियोजत आज जब आएंगे तब उनके हाथ में मिठाई का बॉक्स रहेगा ही रहेगा, इतना तो कन्फर्म है। तो और प्रियोजत ऑफिस से आ जाए उसके बाद हम जाएंगे पूजा शॉपिंग के लिए। आज होगा हमारा दुर्गा पूजा शॉपिंग, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। सिर्फ मेरा साथ रहिएगा पूरा व्लॉग। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि प्रियोजत के ऑफिस में कैसे ये पूजा का सेलिब्रेशन हो रहा है। अभी आ गया हम लोग विश्वकर्मा पूजा में, ऑफिस का कॉलीग है सब। देखिए हाय बोलो, लगातार हाय बोलो। ये राजेश है, धर्म प्रकाश है, घोषाला हाँ घोषाला है अपना फेमस मिस्टर पाठक। क्या लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। प्रियोजत के ऑफिस में से ये सारे मिठाई का पैकेट आया है आज विश्वकर्मा पूजा के दिन, तो हर साल ही आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं मिठाई खाना पसंद नहीं करती हूँ, पर ये ओकेशनली कुछ मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। शॉपिंग करने सबके लिए छोटा मोटा कुछ ना कुछ लूँगी तो इतना तो सही। मम्मी पापा के साथ जब शॉपिंग करने जाती थी शर्ट लौटने के टाइम, हम हर साल एग रोल खाते हुए घर आती थी। आज भी वही कुछ हम सोच रहे हैं कि वही फीलिंग्स को वापस हम ला सकते तो बहुत अच्छा होता है ना। आधा घंटा के ऊपर लेट कर दिया है। चलिए ये पहली बार गूगल जा रहे हैं हमारे साथ शॉपिंग करने। वी आर सो एक्साइटेड। क्या प्रियोजत तुम एक्साइटेड हो या ना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पिछले साल जैसा घर पे बैठ के बहुत बुरा लगा। वही तो चीज़ है। और मेरा तो दो साल, सोचो। हाँ चलो तो डिसाइड कर पाया
कौन सा लेना है? कंफ्यूज है चूली के लिए ना, ये वाला पीला वाला ले लिया, ये वाला पीला वाला इससे बेहतर है, इससे तो अच्छा लग रहा है मेरे को। तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है? ठीक है तो फिर ये फाइनल है। हाँ वाला ले लो अच्छा लग रहा है। तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये प्रिंटेड वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो वही ले लो। ठीक है ना? ठीक है ओके। और दीदी भाई के लिए बोलो, थोड़ा हल्के टाइप का है, मतलब इस साल का शायद लग रहा है कि न्यू कलेक्शन टाइप का। यस यस यस, ये अच्छा लग रहा है, उससे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का। ये ले लो, भी अच्छा है ना कलेक्शन। सो गए और देखिए इसको, ये मेंस कलेक्शन के लिए जाना है। शर्ट बहुत अच्छा है ना, कलर बहुत अच्छा है, ये वाला कैसा है? तो एक कलर पसंद करके दो भाई, हम तो लेडीज का ले लिया है, अभी जेंट्स का मेरी बारी है। हाँ पसंद करके दो भाई, कुछ तो काम करो। कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, पर सॉल्यूशन मुझे चाहिए, ढूंढ के दो भाई। इतना सारा कलेक्शन है ना, उसके बीच कुछ एक दो पसंद करना है ना बहुत मुश्किल, सच बोलूं। भाई के लिए ये ले लो, अच्छा लग रहा है, कलर बहुत बढ़िया है, मस्त है। और जीजा जी के लिए असिफ दा हाँ ले लो ले लो, ये भी कलर बढ़िया है। हाँ हाँ फाइनल, हाँ फाइनल है ये। हाँ बढ़िया, ठीक है, साइज ठीक है ना? साइज तो ठीक ही लग रहा है। हाँ प्रॉपर ठीक। जाना है अभी गोगोल के लिए, कुछ लेना है स्पेशली। ये जो ट्रेडिशनल कलेक्शन है ना, ये मस्त है। ये वाला लेना है? हाँ ये ले लो, एक बार पहना कर देख लो, वो उसमें भी
हम अभी है ना एम जी आर मॉल में आ गए हैं और यहाँ से मुझे कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ लेना है जो मेरे पापा के लिए, बड़े पापा के लिए और मेरे ससुर जी के लिए। वो है कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो धोती और लुंगी वो टाइप का होता है ना, वाइट और गोल्डन या ग्रीन कलर का बॉर्डर वाला जो यहाँ का ट्रेडिशन है, वो वाला चीज़ मुझे उन लोगों के लिए लेके जाना है इस बार दुर्गा पूजा में, तो वही ढूंढने के लिए आई हूँ, शायद मिल जाएगा। शॉपिंग तो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम है ना ये रेस्टोरेंट के सामने आ गई हूँ। यहाँ से स्नैक्स कुछ लेके घर चलेंगे। आपको आते समय मैंने बोली थी कि बचपन में हम एक बार खाते हुए घर जाते थे, तो इस टाइम मैं कुछ स्नैक्स लेके घर जा रही हूँ। तो चलिए अभी ऑटो पकड़ लेंगे और उसके बाद घर जा कर फ्रेश होके फिर आपके साथ बातचीत करते हैं। तो अभी हम चाय पीने वाले हैं और ये क्रिस्पी चिकन विंग्स के साथ गर्मा गर्म चाय। तो अभी सिर्फ और सिर्फ खाना ही है, बात ज़्यादा नहीं करना है, गर्मा गर्म खा लेते हैं। चलिए